नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त रचना, और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। आज हम करने वाले हैं बातचीत आप सबके साथ एक बार फिर से सलमान खान को लेकर। बॉलीवुड इंडस्ट्री के गॉडफादर, बॉलीवुड इंडस्ट्री के खान्स में सबसे ज्यादा फेमस सलमान खान के घर पर टूटा है मुसीबतों का पहाड़। ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि हाल ही में सलमान खान के घर से आई है बेहद ही बुरी खबर सामने, जहां पर खुद सलमान खान ने इस बात का खुलासा किया है कि उनकी बहन अर्पिता और अलविरा दोनों ही कोरोना संक्रमित हैं। दोनों ही कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रही है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस बीमारी से बच कर रहे, घर पर रहे, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। लेकिन अब आ रही है एक बार फिर से सलमान खान और उनकी बहन अर्पिता को लेकर बड़ी खबर। वो खबर क्या है उसका खुलासा करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, रिपोर्ट में। देश में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे में लोग इस वायरस की चपेट में लगातार आ रहे हैं। वहीं से बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग सबसे ज्यादा संक्रमित इस वायरस से हो रहे हैं। और हाल ही में सामने आई थी खबर सुपरस्टार सलमान खान की बहनों को लेकर। जी हां, खबर ये थी कि सुपरस्टार सलमान खान की दोनों बहनें अर्पिता खान शर्मा और अलविरा खान अग्निहोत्री कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। सलमान खान ने इस बात की जानकारी खुद अपने फैंस को दी थी। सलमान खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी दोनों बहनें अर्पिता खान शर्मा और अलविरा खान अग्निहोत्री कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन उनमें कोरोना जैसे कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। सलमान खान ने कहा कि पिछले साल जब कोरोना के मामले सामने आए थे तो सुनने को मिला था कि किसी को कोरोना हो गया। पिछली बार उनके दो ड्राइवर्स को कोरोना हुआ था, लेकिन इस बार तो उनके घर के सदस्य और करीबियों को कोरोना हो रहा है। सलमान खान ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर वाकई काफी खतरनाक है। सलमान खान की बहन अर्पिता खान ने साल 2014 में आयुष शर्मा के साथ शादी की थी। आयुष शर्मा इस समय फिल्मों में एक्टिव हैं, और वो अलविरा खान ने एक्टर और प्रोड्यूसर अतुल अग्निहोत्री के साथ शादी की थी। आपको बता दें कि अब अर्पिता और अलविरा दोनों ही घर में आइसोलेट है, और दोनों का घर से ही ट्रीटमेंट चल रहा है। आपको बता दें कि अब खबर आ रही है सलमान खान को भी लेकर। जी हाँ, लेकिन वो खबर क्या है वो बताने से पहले हम आपको बताएंगे सबसे पहले सलमान खान की बहन अर्पिता खान की पूरी बायोग्राफी, और उसके बाद बताएंगे पूरी खबर। आपको बता दें कि अर्पिता खान 5 भाइयों में सबसे छोटी बहन है। वैसे सलीम खान के 3 बेटे हैं, सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान, और एक बेटी अलविरा के होते हुए अर्पिता को गोद लिया था। और इसके बाद अर्पिता को लेकर सलमान खान सबसे ज्यादा कंसर्न रहते हैं। अर्पिता के लिए काफी ज्यादा अर्पिता का ख्याल रखते हैं और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं अर्पिता के साथ सलमान खान। बता दें कि 1 अगस्त सन 1989 को मुंबई में जन्मी अर्पिता बॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान की बायोलॉजिकल डॉटर, मतलब सगी बेटी तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी खान परिवार अर्पिता को अपने सदस्य से कम नहीं मानता। आपको बता दें कि अर्पिता को सबसे ज्यादा प्यार सलमान खान करते हैं, और ऐसे में सलमान खान और अर्पिता को अक्सर आप सब ने हर इवेंट में एक दूसरे के साथ अपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को शेयर करते हुए भी देखा होगा। आपको बता दें कि अर्पिता खान सिर्फ सलमान खान की ही लाडली नहीं, बल्कि सलमान खान की मां सलमा खान जितना प्यार अपनी असली बेटी अलविरा से करती है, उतना ही प्यार वो अर्पिता से भी करती है। 2014 में अर्पिता ने अपनी कलाई पर एक स्टार का टैटू बनवाया। उसमें अर्पिता ने उनके परिवार के सभी सदस्य, पिता सलीम, मां सलमा, हेलन, भाई सलमान, सोहेल, बहन अलवीरा, अरबाज और दोस्त दीक्षा का नाम शामिल है। अर्पिता और अर्जुन कपूर के अफेयर की खबरें उन दिनों काफी ज्यादा लाइमलाइट में आई थी, जब अर्जुन ने बॉलीवुड में अपनी करियर की शुरुआत भी नहीं की थी। 2 साल तक तो अर्पिता और अर्जुन कपूर का रिश्ता काफी चर्चा में रहा, लेकिन इसके बाद ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप की वजह सामने आई, फिर उनकी मुलाकात दिल्ली के बिजनेसमैन आयुष शर्मा से हुई। अर्पिता
आयुष शर्मा को दिल दे बैठी और आयुष दिल्ली के रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। लंबे समय तक आयुष को डेट करने के बाद अर्पिता ने आयुष शर्मा के साथ ही शादी करने का फैसला लिया। अर्पिता और आयुष की इस शादी को बीटाउन में सबसे महंगी शादियों में गिना जाता है। अर्पिता की ख्वाहिश थी कि उनकी शादी महल में राजकुमारी की तरह हो। इसके लिए भाई सलमान ने हैदराबाद के फलकनुमा पैलेस में उनकी शादी करवाई। अब खान परिवार की लाडली बेटी अर्पिता आयुष के साथ खुशी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी जी रही है। बता दें कि अर्पिता और उनके पति आयुष के दो बच्चे भी हैं। बता दें कि अब आयुष और उनकी पत्नी अर्पिता खान कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और ऐसे में अब खबर आ रही है कि वो घर पे आइसोलेट तो है लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें कमरे में रखा गया है और ऐसे में अर्पिता से नहीं मिल पा रहे सलमान खान और उनका परिवार, जहां पर उन्हें अब अपनी बहन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है और इसी के साथ वो अपनी बहन को काफी ज्यादा मिस कर रही हैं। बता दें कि अर्पिता की ऐसी हालत को देखकर सलमान खान काफी ज्यादा टूट चुके हैं, क्योंकि ये बात आप जानते हैं कि सलमान खान अर्पिता के बेहद ही करीब हैं और वो अर्पिता के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ऐसे में अर्पिता खान की कोरोना के चलते दर्द भरी हालत को देख पूरी तरह से टूट चुके हैं सलमान खान और इसके चलते सलमान खान काफी ज्यादा परेशान है और काफी ज्यादा हताश। वो लगभग दुआ कर रहे हैं अपनी बहन के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं और साथ ही सलमान खान के फैंस भी लगातार सोशल मीडिया पर सलमान खान की दोनों बहनें अर्पिता और अलवीरा के ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। तो ये है पूरी खबर सलमान खान को लेकर और उनकी बहन अर्पिता को लेकर, जहां पर कोरोना की बीमारी के चलते अर्पिता एक कमरे में आइसोलेट है और उनसे कोई मिल नहीं सकता, उनके पास कोई जा नहीं सकता और ऐसे में सलमान खान अपनी बहन से दूर काफी वक्त तक नहीं रह सकते और अपनी बहन की इस हालत को देख और छोटे छोटे बच्चों से दूर अर्पिता की इस हालत को देख काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं सलमान खान और कर रहे हैं जल्द से जल्द अपनी बहन अर्पिता और बहन अलवीरा के ठीक होने की दुआ। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट जहां पर अर्पिता खान की दर्द भरी हालत देखकर तड़प उठे हैं बेचारे सलमान खान, जो अर्पिता का साथ नहीं छोड़ते थे, उनका हाथ पकड़े रखते थे, भीड़ में भी सलमान और अर्पिता एक साथ नजर आते थे, वही आज अपनी बहन अर्पिता से दूर है क्योंकि उनकी बहन को हो चुकी है कोरोना की बीमारी और यहाँ पर अब उन्हें तब तक अलग रहना होगा जब तक सलमान खान की बहन पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती और अपनी बहन की बिगड़ती हालत को देख काफी ज्यादा परेशान है सलमान खान और लगातार कर रहे हैं दुआ अपनी बहन अर्पिता और अलविदा के ठीक होने की। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।